गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। चलिए आज हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ेंगे। हिंदी में कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। आइए देखते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। लेक्चर 13 होगा वेव ऑप्टिक्स का। और इसमें पढ़ना है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। प्रकाश का व्यतिकरण क्या है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इसको पहले समझेंगे, फिर इसको डिफाइन करेंगे। आइए, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं, S1 सोर्स ऑफ लाइट। और पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो लाइट कैसे चलेगी, मीडियम में कैसे चलेगी? तरंग के रूप में, वेव के रूप में चलेगी। तो वेव में क्या होता है? क्रेस्ट होता है, ट्रफ होता है, शीर्ष होता है, गर्त होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं, देखिए ना, आप इस तरह से जानते हैं लाइट वेव चलती है। इसका नाम क्या पढ़े हैं? क्रेस्ट। हिंदी में पढ़े हैं शीर्ष। इसका नाम क्या पढ़े हैं? ट्रफ। गर्त बोलते हैं। लेकिन यहां जो सोर्स ऑफ लाइट हम दिखाएंगे, सोर्स ऑफ लाइट का वेव जो दिखाएंगे, वो क्रेस्ट और ट्रफ को इस तरह से नहीं दिखाएंगे, बल्कि हम एक बोल्ड आर्क और डॉटेड आर्क के द्वारा हम लोग क्रेस्ट और ट्रफ को डिनोट करेंगे, या फिर कहिए उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे। चलो, ये मान लेते हैं फर्स्ट में क्या है। फर्स्ट में ये क्या बना है? बोल्ड लाइन हो गया, तो मान लेंगे उसको हम क्रेस्ट बना है। फिर क्या होगा? डॉटेड लाइन होगा, हम दिखाएंगे बाद में। ये देखो तो ये क्या है, ये बोल्ड लाइन है। फिर इसी तरह से हम दिखाएंगे इसे, ये बोल्ड लाइन वाला दिखा रहे हैं। इट मीन्स क्या दिखा रहे हैं? बोल्ड लाइन के द्वारा हम दिखा रहे हैं आपको क्रेस्ट दिखाया जा रहा है। और डॉटेड लाइन के द्वारा क्या दिखाएंगे? डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाएंगे हम ट्रफ, गर्त जिसको बोलते हैं, डॉटेड लाइन के द्वारा गर्त को दिखा रहे हैं। ये गर्त है, यानी यदि हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ये बोल्ड लाइन है तो ये हो गया क्रेस्ट, डॉटेड लाइन है तो ये हो गया ट्रफ।
ट्रफ हो गया। और फर्स्ट सोर्स ऑफ लाइट है ये, यहाँ से वेव निकला क्रेस्ट और ट्रफ के रूप में। लेकिन एक सेकेंड सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं, दूसरा सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं, मान लेते हैं ये क्या है, ये S2 सोर्स ऑफ लाइट है। तो सोर्स ऑफ लाइट है ये, तो स्वाभाविक है इसमें भी, इससे भी वेव निकलेगा, इससे भी लाइट निकलेगी वेव के रूप में, तरंग के रूप में। तो यहाँ भी हम उसी तरह ट्रफ और क्रेस्ट बनाते हैं। ट्रफ हो गया, ये क्रेस्ट हो गया, और फिर ये ट्रफ बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम बोर्ड लाइन से क्रेस्ट को ही बना लेते हैं जैसा पहले बनाए थे। देखिए तो गौर कीजिएगा प्लीज, ये हम क्या बनाए, फिर से क्रेस्ट बनाए किसके लिए, S2 सोर्स ऑफ लाइट से उत्पन्न जो वेव होगा उसका क्रेस्ट बनकर तैयार है। कहाँ चलेंगे हम, अब ट्रफ की ओर चलेंगे, ट्रफ की ओर चलेंगे। देखिए तो ये ट्रफ बना रहे हैं डॉटेड लाइन से, हम लोग पहले बोल चुके हैं डॉटेड लाइन से हम लोग क्या करेंगे, ट्रफ को सूचित करेंगे, ट्रफ को रिप्रेजेंट करता है। चलिए देखते हैं, ये फिट ट्रफ होगा, यहाँ ट्रफ दिखा रहे हैं, ये ट्रफ है, आई गौर से देखिए तो आप, गौर से जब देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि यहाँ देखिए इस पॉइंट को देखिए, ये क्या है आपका, इस पॉइंट को गौर से देखेंगे तो ये ट्रफ और ट्रफ मिला हुआ है। ये क्यों, क्योंकि दोनों डॉटेड लाइन है, ये फर्स्ट लाइन, फर्स्ट सोर्स ऑफ लाइट अर्थात S1 का ये क्या है, क्या ये क्रेस्ट ट्रफ, और S2 का ये क्या है, ये भी ट्रफ है। तो दोनों ट्रफ और ट्रफ एक पॉइंट पर मिला, और ट्रफ और ट्रफ मिलने का क्या मतलब हुआ कि हम बताए होंगे बेसिक क्लास में, यदि ये ऐसे सोर्स ऑफ लाइट ऐसे है, वेव चल रही है, ये ट्रफ है, दो ट्रफ एक साथ मिल जाए, एक ही डायरेक्शन में जाए, तो क्या होगा, ये और अधिक एम्पलीट्यूड वाला ट्रफ बनाएगा, ये और अधिक एम्पलीट्यूड इसका हो जाएगा, यानी आयाम जो होगा इसका और अधिक हो जाएगा, विस्थापन बहुत अधिक हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, दोनों को वेक्टर सम के द्वारा हम ऐड करके हम इसका एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं, यानी पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, दोनों एक साथ मिल रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसको देखो तो दोनों क्रेस्ट क्रेस्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसको ऐसा करें, हम क्रॉस के रूप में लिखते हैं, इसको क्रॉस के रूप में लिखते हैं, ये देखिए तो क्रॉस के रूप में निकाल रहे हैं, स्टार या जो भी कहिए, ये हम क्या दिखा रहे हैं आपको, ये सेम चीज मिला हुआ है बाबू, क्रेस्ट क्रेस्ट या ट्रफ ट्रफ मिला है, तो क्रेस्ट क्रेस्ट या ट्रफ ट्रफ मिलता है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। तो चलिए इतना इतना ही अभी समझाना चाह रहे हैं, आगे देखिए तो और भी दिखाएंगे हम। यहाँ देखिए, इसको देखिए, दोनों फिर मिला हुआ है, यहाँ भी दोनों मिला हुआ है, ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों मिला हुआ नजर आएगा, मिला हुआ नजर आता है, ठीक, जो जो मिला हुआ नजर आता है उसको थोड़ा सा एक बार
गौर कीजिए आप, ये देखिए तो ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं। ये देखिए ऊपर चलिए, यहाँ भी मिला हुआ है, सेम सेम की बात करेंगे। बोल्ड लाइन या डॉटेड लाइन इसको देखना। और अब देखिए तो बीच में कुछ बचा है क्या, बीच में कुछ बचा है क्या? यस सर बचा, क्या बचा है? एक देखिए तो ये क्या है, ट्रफ है, ये क्या है, क्रेस्ट है, अर्थात ये यहाँ ट्रफ और क्रेस्ट यानी फर्स्ट का क्रेस्ट सेकेंड के ट्रफ से मिला हुआ है। ध्यान दीजिए, दो वेव निकला है, ऐसे ऐसे दो वेव चला है, एक फर्स्ट से और दूसरा क्या सेकेंड से। आप बताओ तो ये क्या देख रहे हैं कि ये क्रेस्ट है, ये क्या है, ट्रफ है। तो ये एक ही पॉइंट को कोई ऊपर ले जाना चाहेगा, एक नीचे ले जाना चाहेगा सेम टाइम पर, तो क्या होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा उधर ही ये पार्टिकल चलेगा। यदि एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट ऊपर नीचे सेम होगा तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। यही यहाँ दिखाना चाहते हैं कि ये का क्रेस्ट है, दूसरे का ट्रफ है, तो क्रेस्ट और ट्रफ दोनों मिलेगा, क्रेस्ट और ट्रफ दोनों मिल जाएगा तो उसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा, जीरो भी हो सकता है इक्वल रहने पर। तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग पॉइंट से दिखा रहे हैं, पॉइंट से दिखा रहे हैं। देखिए तो सब में अपोजिट नज़र आ रहा होगा, इसलिए पॉइंट कर दिए। फिर यहाँ देखिए तो यहाँ भी क्रेस्ट रफ ऐसा है। चलिए क्रेस्ट रफ को कैसे सूचित कर रहे हैं बाबू, क्रेस्ट और ट्रफ को हम लोग एक पॉइंट से डिनोट कर रहे हैं। चलिए ये आपका ले सकते हैं, यहाँ तीन लिए, एक और ले लेते हैं, यहाँ क्या है, अपोजिट। चलो तो ऐसा करो, ये सोर्स ऑफ लाइट है, इधर से भी लाइट निकला, इधर से भी लाइट निकला, तो लाइट निकलेगा तो यदि आगे में हम पर्दा लगा दें, स्क्रीन लगा दें, तो क्या होगा, उस वो स्क्रीन क्या करेगा, लाइट को रोकेगा, लाइट उसी स्क्रीन पर जाकर ठहर जाएगा। तो चलिए देखें, हम बात करेंगे, स्क्रीन यदि यहाँ दे दिया जाए हम लोगों के द्वारा, स्क्रीन रख दिया जाए, इसको यदि स्क्रीन माने, पर्दा माने, पर्दा रख दिया जाए तब क्या होगा, तो गौर करना, ये सामने ले जाओ बाबू, तो क्या नज़र आएगा बोलो, कि देखो यहाँ क्रेस्टे है, क्या नज़र आएगा, इतनी क्रेस्ट है मिला हुआ, हमको बताना तुम क्या हो रहा है बाबू। कहिएगा सर ये जो स्टार दिखा रहे हैं यहाँ स्टार ही होगा सर, स्टार मतलब क्या है, किसको स्टार से डिनोट किए हैं, तो ये दोनों सेम मिला है, ट्रफ या क्रेस्ट, दोनों जब सेम मिलेगा तब यह हम स्टार दिखाए हैं। क्या स्टार होता है, क्या मतलब है बताएंगे, आइए देखिए, यहाँ है डॉटेड लाइन, यहाँ फिर स्टार, यहाँ पॉइंट दिखाते हैं, ये क्या है, ये भी पॉइंट है, दिखाई दे रहा है, यहाँ स्टार पॉइंट स्टार। अब देखो पर्दे पर स्क्रीन पर अल्टरनेट दिखाई देता है, एक स्टार
पॉइंट स्टार स्टार पॉइंट स्टार पॉइंट स्टार पॉइंट, इस तरह से अल्टरनेट हमको स्टार और पॉइंट दिखाई दे रहा है। अब ये क्या पॉइंट और स्टार दिखाने का क्या मतलब है? पर्दे पर तो स्टार और पॉइंट दिखेगा नहीं, वो तो हम डिनोट किए हैं, लेकिन वो क्या दिखाई देगा? तो जानो बाबू, ये जो सेम क्रेस्ट क्रेस्ट मिलेगा तो समझो हमने बताएंगे, तुम्ही को बताना है कि क्या होने वाला है, तुम्ही को बताना है क्या होने वाला है, बताओ। हम क्यों बताएंगे? आप समझ रहे हैं, बेसिक क्लास किए हुए हैं, आपसे खुद हम जवाब चाहेंगे। बताओ कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, याद कीजिए, बल्ब बुझा बुझा करके जला जला करके हम बताए थे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है। चलो, एम्पलीट्यूड जितना अधिक होगा इंटेंसिटी भी उतना अधिक होगा। आप बताओ, एम्पलीट्यूड मतलब हो गया यहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों वेव जब चलती है तो एक ही कण को क्या करता है? एक ही कण को कहता है कि तुम वाइब्रेट हो, कंपन करो, दोनों मिल करके कंपन करवाता है। तो दोनों मिलकर कंपन करवाएगा, यदि एक ही दिशा में ले जाना चाह रहा है ये वन और ये टू, तब तो क्या होगा? अधिकतम विस्थापन होगा। या दोनों नीचे की ओर ले जाना चाहेगा तो दोनों एड होकर के क्या होगा? अधिकतम डिस्प्लेसमेंट होगा, अधिकतम विस्थापन होगा, अर्थात इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? अधिकतम होगा। और अधिकतम होगा तो इंटेंसिटी क्या होगा? अधिकतम होगी। और अधिकतम इंटेंसिटी होने का क्या मतलब हुआ? अधिक तीव्रता होना, अधिक तीव्रता होना, अधिकतम डिस्प्लेसमेंट होगा, अधिकतम एम्पलीट्यूड होने का मतलब अधिक से अधिक उसमें ब्राइटनेस होगा। तो कह सकते हैं यहाँ ये आपका क्या है? ये ब्राइटनेस है बाबू, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस, चमक जिसको कह सकता है। और अब देखो तो एक ऊपर ले जाना चाहता है कण को, दूसरा नीचे ले जाना चाहता है। एम्पलीट्यूड मान लेते हैं ये वन और ये टू सेम है, तो बताओ कण कहीं जाएगा? एक कहता है कि ऊपर चलो, ये कहता है नीचे चलो। तो दोनों एक साथ यदि इसको ले जाना चाहेगा तो कहीं नहीं जाएगा, वो क्या होगा? उसी पॉइंट पर स्थिर हो जाएगा। यदि ऊपर की ओर भी उतना ही एम्पलीट्यूड हो रहा है, नीचे की ओर उतना ही, तो क्या होगा? ये दोनों पर यदि ऊपर और नीचे फोर्स सेम लगाया जाए तो पार्टिकल स्थिर रह जाएगा, और स्थिर रहेगा तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जब जीरो होगा बाबू, तो बताओ यहाँ आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर कहते हैं, ये ही जीरो हो गया तो इंटेंसिटी क्या होगा? जीरो हो जाएगा। और इंटेंसिटी जब जीरो हो जाएगा बाबू, तो क्या होगा? अंधेरा नजर आएगा, क्योंकि कोई चीज़ जल रहा है, कोई सोर्स ऑफ लाइट जल रही है, उसकी तीव्रता है ही नहीं, जीरो हो गई तीव्रता, इंटेंसिटी जीरो हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? वो बुझ गया। मोमबत्ती लो, धीरे धीरे टिमटिमाते टिमटिमाते वो बुझ गया। दीपक लो, टिमटिमाते टिमटिमाते बुझ गया। क्या हुआ? इंटेंसिटी जीरो हो गया, उससे कुछ दिखाई नहीं देगा। और इंटेंसिटी जब जीरो हो जाएगा तो उसको क्या कहते हैं? डार्कनेस, अंधेरा नजर आएगा। तो ये क्या हुआ? ये ब्राइटनेस है, तो ये तुमको क्या नजर आएगा? डार्कनेस नजर आएगा, अंधेरा जिसको बोलते हैं जी, इसको क्या आता है? ये इसको अंधेरा, डार्कनेस को अंधेरा बोलें, अंधेरा बोलें, तो इसको क्या बोलोगे? ब्राइटनेस, उजाला। चलो चलो, उजाला ही मन है, अंधेरा उजाला। तो चमक की बात करते हैं, ब्राइटनेस। तो क्या हो गया?
कि ये ब्राइटनेस हो गया, ये डार्कनेस हो गया, ये ब्राइटनेस हो गया, फिर यहाँ डार्कनेस हो गया, ये ब्राइटनेस हो गया, ये डार्कनेस हो गया। तो ब्राइटनेस और डार्कनेस ये अल्टरनेट बनता है, आवर्त रूप में बनता है, पेरियोडिकली बनता है, ऐसे अल्टरनेट रूप में। तो बताओ जी कि इस तरह से जब बनता है ब्राइटनेस और डार्कनेस, ये कैसे बना? तो कहिएगा सर, दो वेव, दो सोर्स, प्रकाश के दो स्रोत से दो वेव चला और दोनों वेव जिस बिंदु पर मिलता है, देखिए दोनों वेव मिला ना कहीं मिला है तो मिलता है, तो क्या होता है? मिलने पर यह तो ब्राइटनेस होता है या डार्कनेस पैदा होता है, या तो ब्राइटनेस पैदा होता है या डार्कनेस पैदा होता है। और इसी घटना को क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण। एक बार फिर से हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे कि जब दो लाइट का दो वेव्स किसी माध्यम में चलते हुए किसी पॉइंट पर मिलती है, किसी पॉइंट पर मिलती है, जो भी पॉइंट लो, तो एक नए वेव का निर्माण होता है और उस नए वेव की तीव्रता आवर्त रूप में घटती है और बढ़ती है। देखते हैं, अंधेरा उजाला देख रहे हो? तो प्रकाश की तीव्रता के आवर्त रूप में बढ़ने या घटने की घटना को क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। या दूसरे रूप में ये कह सकते हैं, कि ये लाइट की इंटेंसिटी क्या होता है, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, पुनर्वितरण हो जाता है। ये देखिए ना, अंधेरा उजाला ये क्या है? पहले क्या था? एक ही सोर्स ऑफ लाइट था, तो क्या था? उजाला था, क्रेस्ट और ट्रफ के रूप में जाता था। पर्दा रख दीजिए, पर्दे पर यूनिफॉर्म दिखाई देगा, लाइट एक तरह का लाइट दिखाई देगा, जैसा बोर्ड पर अभी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। लेकिन यदि दो लाइट जला देंगे, उसमें कंडीशन है, लाइट कैसा होना चाहिए बताएंगे, ये वैसे तो बता चुके हैं, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट आप पढ़ चुके हैं। ये दोनों क्या है? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, कौन सा? S1 and S2 दोनों कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट है। याद होगा कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट किसको कहते हैं? जिसका फ्रीक्वेंसी समान रहता है और इनिशियल फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। तो ऐसा सोर्स क्या कहलाता है? कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, कला संबद्ध स्रोत। तो ये ऐसा यदि है, तब दोनों सोर्स ऑफ लाइट से जब वेव निकलती है तो क्या होता है? दोनों आगे चलकर किसी पॉइंट पर मिलती है और मिलने से एक नया वेव बनता है, या फिर मिलती है तो क्या होता है? प्रकाश के इंटेंसिटी का पुनर्वितरण होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। और पुनर्वितरण का मतलब वही कि कहीं ज़्यादा लाइट हो जाता है, कहीं लाइट गायब हो जाता है, कहीं अधिक लाइट हो जाता है, कहीं लाइट गायब हो जाता है, इसी को रीडिस्ट्रीब्यूशन या पुनर्वितरण कहते हैं। और इसी पुनर्वितरण की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। हमको लगता है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब लिखना प्रारंभ कीजिए, लिखिए मेरे साथ।
दोनों तरह से हम डिफाइन कर देते हैं। लिखिए जब जब प्रकाश के दो स्रोतों प्रकाश के दो स्रोतों से प्रकाश की तरंग चलकर किसी बिंदु पर मिलती है तब नए तरंग का निर्माण होता है। जिसकी तीव्रता आवर्त रूप में बढ़ती और घटती है। प्रकाश की तीव्रता के बढ़ने और घटने की घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है। प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है अथवा लिख सकते हैं जब जब दो कला संबद्ध जब प्रकाश के देना चाहिए जब प्रकाश के दो कला संबद्ध स्रोतों से तरंग चलकर किसी बिंदु पर मिलती है तब प्रकाश की तीव्रता का पुनर्वितरण होता है। प्रकाश की तीव्रता के
पुनर्वितरण, पुनर्वितरण की घटना को प्रकाश का व्यतीकरण कहा जाता है। प्रकाश का व्यतीकरण कहा जाता है। देख ही रहे हैं, प्रकाश का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर से प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है और अंधेरा उजाला के रूप में अपीयर होता है, प्रतीत होता है, प्रकट होता है। कहाँ पर? स्क्रीन पर। चलो, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है ये हम लोग सीखे। चलेंगे कहाँ? काइंड्स ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। आइए फिर से देखते हैं, काइंड्स ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। आइए, काइंड्स ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। स्पष्ट हिंदी में प्रकाश के व्यतीकरण का प्रकार, प्रकाश के व्यतीकरण का प्रकार। क्या क्या प्रकार होगा आप कह सकते हैं? देखिए तो इंटरफेरेंस इसी को कहते हैं, कौन सा? डार्कनेस और ब्राइटनेस बनने की घटना। जब ब्राइटनेस होगा तो अलग इंटरफेरेंस होगा, जब डार्कनेस बनेगा तो अलग इंटरफेरेंस होगा। उसका नाम क्या होगा? देखो देखो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। स्पष्ट है, रचनात्मक व्यतीकरण। चलो दूसरा क्या है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको कहते हैं विनाशकारी व रचनात्मक, अरचनात्मक व्यतीकरण। इसको कहते हैं विनाशकारी व्यतीकरण। चलो डिस्ट्रॉय का नाम सुने हैं, डिस्ट्रॉय मीन्स होता है विनाश करना, बर्बाद करना, नष्ट करना। तो यहां देखो तो सेम, यहां हम बात करेंगे हम कि एक ही तरफ यानी क्रेस्ट क्रेस्ट या ट्रफ ट्रफ दोनों मिलता है, सेम ट्रफ या ट्रफ ट्रफ या क्रेस्ट क्रेस्ट मिल गया तो क्या होता है? ब्राइटनेस। और अपोजिट मिल गया तो क्या होता है? डार्कनेस। तो कंस्ट्रक्टिव कब माना जाएगा? जब उजाला होगा, प्रकाश होगा, तब कंस्ट्रक्टिव मानेंगे। अंधेरा हो जाएगा तो क्या कहेंगे? डिस्ट्रक्टिव। तो वही तो है यहाँ कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दो प्रकार हुआ, किसका? इंटरफेरेंस का। और कंस्ट्रक्टिव ब्राइटनेस को कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव डार्कनेस को कहेंगे। अब जहाँ तक डिफिनीशन की बात है, परिभाषा की बात है, तो परिभाषा कंस्ट्रक्टिव का आप दे सकते हैं क्या? कि जब दो वेव्स
किसी पॉइंट पर मिलती है, तब जब दोनों स्रोतों के शीर्ष शीर्ष या गर्त गर्त दोनों एक पॉइंट पर मिलती है तो प्रकाश की अधिकतम तीव्रता होती है, और अधिकतम तीव्रता होने की घटना को ही क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और जब दोनों वेव्स का एक का क्रेस्ट कहिए दूसरे के ट्रफ से मिलता है, एक का शीर्ष दूसरे के गर्त से मिलता है, तब क्या होता है, अंधेरा होता है, अर्थात न्यूनतम तीव्रता होती है, कम से कम प्रकाश की तीव्रता होती है जो डार्कनेस के रूप में उभरता है। और इसी घटना को क्या कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। तो देख ही रहे हैं, ये ब्राइटनेस हो गया तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डार्कनेस हो गया तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस घटना है, फिनोमेनन है, इसलिए ये नहीं कह सकते हैं ब्राइटनेस है तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ये कहिए ब्राइटनेस होने की घटना जो होता है, ब्राइटनेस बार बार जो हो रहा है अल्टरनेट करके, उस घटना को कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अल्टरनेट बारंबार जो ये अल्टरनेट करके हो रहा है आवर्त रूप में डार्कनेस, उस घटना को, डार्कनेस बनने की घटना को हम लोग कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो चलिए डिफाइन करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है। शुरुआत कीजिए, लिखेंगे जब दो वेव्स, जब दो वेव्स एक बिंदु पर मिलती है और उनके मिलने से, उनके मिलने से प्रकाश की अधिकतम तीव्रता होती है, अधिकतम तीव्रता होती है, तब ऐसी घटना को क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, रचनात्मक व्यतिकरण कहा जाता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। देख ही रहे हैं, जब दो वेव्स एक बिंदु पर मिलती है और उनके मिलने से प्रकाश की अधिकतम तीव्रता होती है, तब ऐसी घटना को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। और दूसरा में लिखेंगे आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और रचनात्मक व्यतिकरण, जब दो वेव्स, स्वाभाविक है आप बता सकते हैं कि जब दो वेव्स एक बिंदु पर मिलती है और उनके मिलने से प्रकाश की अधिकतम तीव्रता नहीं बल्कि न्यूनतम तीव्रता होती है, न्यूनतम तीव्रता होती है, तब ऐसी घटना को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। मिनिमम इंटेंसिटी होगा, न्यूनतम तीव्रता होगी,
तब कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। परिभाषा अपने स्तर से कुछ भी दे सकते हैं किसी तरह से, लेकिन भाव सेम होना चाहिए कहने का। जब दो वेव्स किसी बिंदु पर इस तरह मिलती है कि उनके मिलने से प्रकाश की न्यूनतम तीव्रता होती है तो क्या कहेंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। और क्लियर कर सकते हैं कि जब दो वेव्स एक साथ चलती है और किसी बिंदु पर इस तरह मिलती है कि दोनों का शीर्ष एक बिंदु पर मिले या दोनों का गर्त एक बिंदु पर मिले तो प्रकाश की अधिकतम तीव्रता होती है, और प्रकाश की अधिकतम तीव्रता होने की घटना को ही क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव का परिभाषा क्या दे सकते हैं कि जब दो वेव्स किसी पॉइंट पर इस तरह से मिलती है कि उनके एक का क्रेस्ट और दूसरे के ट्रफ से मिले, एक का शीर्ष दूसरे के गर्त से मिले तो क्या होता है? एक का शीर्ष दूसरे के गर्त से मिले तो प्रकाश की न्यूनतम तीव्रता होती है, और प्रकाश के न्यूनतम तीव्रता होने की घटना को हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। आइए कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को देखें। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम लोग इसको मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे, यानी इसका एक्सप्रेशन देखेंगे कि कब कंस्ट्रक्टिव बनेगा कब डिस्ट्रक्टिव बनेगा। आइए मैथमेटिकल एनालिसिस लिखना पड़ेगा, मैथमेटिकल एनालिसिस एनालिसिस किसका? ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। स्पष्ट है कि प्रकाश के व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण क्या होगा। प्रकाश के व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण क्या? आइए देखते हैं गणितीय विश्लेषण क्या होता है। चलिए देखिए, तो S1 क्या माने थे? सोर्स ऑफ लाइट। S2 क्या है? ये भी सोर्स ऑफ लाइट है। दोनों से वेव चला तो किसी पॉइंट पर तो जरूर मिलेगी, बिल्कुल अभी देख चुके हैं। अब किसी पॉइंट पर मिल गई, P पॉइंट मान लें, तो वहां देखना है
कि कब ब्राइटनेस होगा कब डार्कनेस होगा, किस स्थिति में ब्राइटनेस किस स्थिति में डार्कनेस, मैथमेटिकली वो तो हम देख चुके हैं क्रस्ट क्रेस्ट और ट्रफ, लेकिन ये मैथमेटिकली कैसे होगा ये देखेंगे। आइए, ये सोर्स ऑफ लाइट एस वन है तो यहाँ से वेव निकला होगा, यहाँ से भी वेव निकला होगा, तो वेव का हम इक्वेशन बताए होंगे कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। आइए, इस ये जो वेव निकला है इसका हम y1 वन इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी मान लेते हैं, लेकिन इसका क्या मान लेते हैं y2 टू इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा एफ आई। समझ में आ गया होगा आपको कि डेल्टा क्या है, फेज डिफरेंस है दोनों का, देखिए तो फेज एंगल यहाँ भी ओमेगा टी यहाँ में ओमेगा टी, यदि ओमेगा टी ही रहने देते तो फेज डिफरेंस कितना होता, जीरो, लेकिन यहाँ अब क्या ओमेगा टी प्लस डेल्टा, इसमें घटा ये ओमेगा टी कितना बचेगा डेल्टा, डेल्टा क्या है ये इनिशियल फेज है और यह इनिशियल फेज डिफरेंस कह सकते हैं, दोनों फेज दोनों के फेज में डिफरेंस जो है वो शुरू से ही है कितना है डेल्टा, इसी के लिए उसको कहते हैं, इसीलिए कहते हैं इनिशियल फेज डिफरेंस। आइए, और ये फ्रीक्वेंसी इसका सेम है, चूंकि ओमेगा देख रहे हैं सेम है तो ओमेगा बराबर क्या होता है टू पाई एन, तो दोनों में ओमेगा ओमेगा है, इट मीन्स क्या है टू पाई तो रहेगा ही, कॉन्स्टेंट है, एन सेम है तब तो दोनों में ओमेगा ओमेगा है, एन सेम रहता है, एन क्या है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति जिसको न्यू से भी डिनोट करते हैं, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है सेम है, और क्या फेज डिफरेंस कितना है, इनिशियल फेज डिफरेंस कितना है डेल्टा, ठीक टाइम बदलेगा तो ओमेगा टी ये चेंज होते रहेगा ये, लेकिन ये डेल्टा चेंज नहीं होगा, इसका मतलब एस वन और एस टू क्या है कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट है। बता चुके हैं कि फेज क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, तो फेज डिफरेंस कॉन्स्टेंट होना चाहिए तभी वो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कहलाएगा। आइए, हम लोग पी पॉइंट पर मिलाए हैं तो देखेंगे कि पी पॉइंट पर डार्कनेस कब बनेगा और ब्राइटनेस कब बनेगा। चल हम मानेंगे, माना कि y1 वन इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और y2 टू इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा प्रकाश का दो वेव्स है जो किसी बिंदु P पर मिलती है, ठीक है, तो याद होगा आपको अध्यारोपण का सिद्धांत बताए थे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो क्या लिखेंगे, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से नए वेव कहाँ P बिंदु पर मिलेगा तो क्या होगा, क्या लिख रहे हैं वाई वन वाई टू दो वेव्स है जो किसी बिंदु P पर मिलती है, इसमें और लिखना चाहते हैं
जहाँ पर नए वेव का निर्माण होता है, ऐसा लिखना चाहते हैं, जहाँ पर नए वेव का निर्माण होता है या बनता है, निर्माण होता है, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से नए वेव का इक्वेशन, नए वेव का समीकरण या नए वेव का विस्थापन आप कह सकते हैं, क्योंकि y1 y2 क्या है, विस्थापन है, और ये पूरा इक्वेशन कह सकते हैं। तो चलिए चलेंगे यार, हम इक्वेशन नहीं कह करके हम लोग कह सकते हैं, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से नए वेव का क्या, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन बताओ क्या हो जाएगा। y मानोगे तुम, y इज इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2 होगा। चलो y1 का मान कितना है, a साइन ओमेगा t प्लस y2 कितना है, a साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा y। न्यू वेव की बात करते हैं, और y इज इक्वल टू दोनों में ये कॉमन ले लेते हैं, साइन ओमेगा t प्लस साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा हो गया। अब याद करो तो कभी बताए थे हम कि साइन c प्लस साइन d ये कितना होता है, टू साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाय टू, पता होगा सबको। चलिए तो यहाँ भी इसको सी माना है, इसको डी माना है, तो क्या लिखेंगे, कि टू साइन सी प्लस डी बाय टू मतलब ओमेगा टी प्लस डेल्टा बाय टू, ठीक है, सी प्लस डी बाय टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाय टू मतलब ओमेगा टी माइनस हो जाएगा बाबू, ओमेगा टी प्लस डेल्टा, देखो ठीक से लिख लेना तुम लोग, जगह नहीं का अभाव है, जगह का अभाव है, तो हम क्या करते हैं, ओमेगा टी है ये, इसमें घटाएंगे इसको तो माइनस ओमेगा टी लेते हैं, और यहाँ प्लस है तो माइनस डेल्टा डिवाइडेड बाय टू हो जाएगा। अब मेरा क्लियर है, अब ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ये जुटेगा। चलिए लिख चुके हैं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आखिर क्यों दो तरह का होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव क्यों हो जाता है, इसको हम लोग मैथमेटिकली समझेंगे। और देखो और चलेंगे, y इज इक्वल टू हाउ मच, ये इंटू बताओ तो बाबू, टू साइन इतना प्लस इतना, इसका मतलब क्या है, ये टू ओमेगा टी प्लस डेल्टा होल डिवाइडेड बाय टू इंटू कॉस में चलेंगे, ओमेगा टी कैंसिल होगा, बचेगा कितना, माइनस डेल्टा बाय टू। दिस इज इक्वल टू टू, ये लिखेंगे
चलो 2a लिखेंगे और साइन 2 से भाग दे दो इसमें, तो क्या बचेगा, ओमेगा टी प्लस डेल्टा बाय 2 बचेगा ऐसा। और ये याद है आपको कि कॉस माइनस थीटा कितना के बराबर होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, समझे। ऐसे भी जो जानते होंगे ऑल साइन टेन कॉस होता है, तो ये माइनस थीटा इसमें है, माइनस थीटा इसमें जाएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट होता है। आप ऑल साइन टेन कॉस कॉस की बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो ये कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, जानते होंगे। किसी को परेशानी होगी तो बताइएगा, हम बताएंगे अलग से। तो ये क्या हो गया, ये कॉस डेल्टा बाय 2 हो जाएगा, कॉस डेल्टा बाय 2 हो जाएगा। अब देखो तो दिस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2 ये कॉस डेल्टा बाय 2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा बाय 2। और गौर से देखो तो डेल्टा बाय 2, डेल्टा कभी चेंज होने वाला है क्या, कि नहीं सर, वो तो इनिशियल फेज डिफरेंस है जो कांस्टेंट रहेगा अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट के अनुसार डेल्टा तो कभी बदलेगा ही नहीं, तो डेल्टा नहीं बदलेगा तो कॉस डेल्टा बाय 2 ये क्या है, कांस्टेंट हो गया। ये एम्पलीट्यूड है ये भी कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है। और इस पूरे कांस्टेंट टर्म को हम लोग ये यदि लिख लें, मान लें तो ये साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा बाय 2 हो गया। अब गौर करो वेयर दे सकते हो तुम, ये बराबर क्या देखा, 2 ये कॉस डेल्टा बाय 2। अब बताओ तो ये क्या नजर आता है, गौर से देखो तो किसको, इस समीकरण को पहचानते हो क्या, इस इक्वेशन को समझते हो क्या, देखो कभी भेंट हुई है इस तरह के समीकरण से, भेंट हुई है क्या, कि हाँ सर ये तो वही बताए थे, वेव का इक्वेशन वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ एक जगह कैपिटल ये है और डेल्टा की जगह डेल्टा बाय 2 है, इसमें क्या दिक्कत है, पहले 60 डिग्री था तब 30 डिग्री हो गया, पहले 30 डिग्री था तब 15 डिग्री हो गया, इसका मतलब क्या है कि जस्ट ये वेव के इक्वेशन की तरह है, इसका मतलब क्या है, नया जो वेव बनेगा बाबू वो भी क्या होगा, जो नया वेव बना दोनों के मिलने से, यस वन और यस टू दोनों से जो वेव चला था, दोनों जो पी पॉइंट पर मिली थी, तो यहाँ जा कर के नया जो वेव बनेगा वो न्यू वेव भी क्या होगा, वो प्रकाश का ही वेव होगा, यानी प्रकाश का जो इक्वेशन, प्रकाश के इक्वेशन का, प्रकाश का वेव का जो इक्वेशन होता है वही इक्वेशन यहाँ आ गया बाबू, तो वही आ गया। इसका मतलब क्या है कि नया जो वेव बनेगा दोनों के मिलने से उसका एम्पलीट्यूड ये वाई ये हो गया, और यहाँ ये वाई क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट है किसी खास समय टी पर। तो चलिए देखते हैं कि नए वेव की इंटेंसिटी कितना होगा, नए वेव का इंटेंसिटी कितना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ये समीकरण, कुछ भी मानो कि समीकरण फर्स्ट से यह स्पष्ट है कि नया वेव भी प्रकाश का ही वेव होगा, प्रकाश का ही तरंग होगा,
जिसका एम्पलीट्यूड इसको आयाम बोलते हैं, इसका आयाम ये होगा। बताओ जी, आयाम जब ये पता हो गया तो क्या इसकी इंटेंसिटी नहीं ज्ञात कर सकते हैं क्या? कि बिल्कुल सर, कि देयरफॉर क्या लिखेंगे कि नए वेव की इंटेंसिटी, नए तरंग की तीव्रता आई मानोगे तो आई क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये स्क्वायर होगा। और याद होगा तुमको कि और आई इज इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर लिखेंगे, और फॉर एयर या वे कम के लिए, एयर या वे कम के लिए बताओ के का वैल्यू कितना, के इज इक्वल टू वन, देयर फोर आई इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। और दिस इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना तुम देख रहे हो ऊपर में, कितना देख रहे हो, 2a cos डेल्टा बाय 2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको डिटेल देखेंगे ऊपर मिटाने के बाद, यहाँ तक लिख लीजिए आप, I इज इक्वल टू 2a cos डेल्टा बाय 2। कहीं कोई परेशानी हो तो कमेंट कीजिए, उनसे बात कीजिए। चलिए कहाँ चलेंगे, और लिखेंगे आई इज इक्वल टू 4a² कॉस स्क्वायर डेल्टा बाय 2। स्पष्ट है वहां से, तो इसको क्या लिखते हैं, 2a² इंटू 2cos² डेल्टा बाय 2। दिस इज इक्वल टू 2a² इंटू, और याद करो तुम कि 1+cos 2a बराबर बताए थे हम, कितना बताए थे, 2cos a, याद है, 2cos² 1+cos 2a बराबर 2cos² ये। तो चलो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, cos स्क्वायर है तो यहाँ भी cos स्क्वायर है, यहाँ ये है तो यहाँ डेल्टा बाय 2 है। तो इस रूप में लिखो, तो इस रूप में लिखेंगे तो 1+cos 2 तो देंगे, cos 2 देंगे, लेकिन एक जगह देखिएगा, यहाँ क्या है, यहाँ 2cos² डेल्टा बाय 2, तो एक जगह मेरा क्या है, डेल्टा बाय 2 है। तो 2 यहाँ 1+cos 2 ये देते, ये नहीं देकर अब क्या देंगे हम, डेल्टा बाय 2 देंगे। तो बताओ क्या हो गया, तब 2a² 1+cos(Δ) हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, यहाँ डेल्टा सिर्फ रहता तो 2Δ देते, डेल्टा बाय 2 है तो डेल्टा देंगे, अर्थात इससे दुगुना देंगे, यहाँ ये है तो यहाँ 2a, यहाँ डेल्टा बाय 2 है तो इसका दोगुना हो गया डेल्टा, यही है। ये क्या देखे आप, इंटेंसिटी देखे न्यू वेव का, न्यू वेव की इंटेंसिटी जो देखे, तीव्रता देखे। अब इस पर विचार करेंगे केस लेते हैं, केस फर्स्ट।
केस फर्स्ट क्या लेंगे कि देखो तो आई का मान मैक्सिमम कब होगा, आई मैक्सिमम होगा तो क्या होगा, ब्राइटनेस बनेगा। आई का मान मिनिमम होगा तो डार्कनेस बनेगा, अर्थात कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का निर्माण होगा, या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे कब जब आई मैक्सिमम होगा। आइए देखते हैं कि कब आई मैक्सिमम हो सकता है, तो क्या लिखेंगे हम, आई विल बी मैक्सिमम। हिंदी वाले स्पष्ट लिख सकते हैं जी, आई का मान अधिकतम होगा, आई विल बी मैक्सिमम कब जी, कब जी, इफ कॉस डेल्टा विल बी मैक्सिमम। मैक्सिमम यहाँ इज देना चाहिए ग्रामर के हिसाब से, कि इफ डेल्टा कॉस डेल्टा इज मैक्सिमम, यानी कॉस डेल्टा का मान जब अधिकतम होगा तभी आई का मान अधिकतम होगा। कैसे देखो ना, टू ए स्क्वायर ये तो कांस्टेंट है, जो भी आई का मान घटना या बढ़ना है तो वो किस पर निर्भर करेगा, कॉस डेल्टा पर। तो कॉस डेल्टा अधिकतम यदि हो गया तो आई का मान अधिकतम, कॉस डेल्टा का मान न्यूनतम हो गया तो आई का मान न्यूनतम। तो हम कह रहे हैं आई विल बी मैक्सिमम इफ कॉस डेल्टा इज मैक्सिमम, और कॉस डेल्टा मैक्सिमम कब होगा जी, कॉस डेल्टा भी इज मैक्सिमम करते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम, और मैक्सिमम होने का क्या मतलब हुआ, दैट इज कॉस डेल्टा क्या होना चाहिए, वन, क्योंकि कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, वन, और न्यूनतम मान माइनस वन होता है, तो अधिकतम कितना होगा, यदि वन हो गया, आप जानते हैं कॉस जीरो वन होता है, और एंगल बढ़ाते जाओगे क्या होगा, घटते जाएगा, कॉस 90 की बात करेंगे तो वहाँ क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब क्या है कि अधिकतम मान कितना होता है, वन होता है, न्यूनतम मान माइनस वन होता है। तो कॉस डेल्टा इज मैक्सिमम, अर्थात दैट इज लिखे हैं आई कॉस डेल्टा इज इक्वल टू वन कब जी, ऐसा होगा तो आई मैक्सिमम होगा, तो ये कब होगा, तो लिखते हैं कि कॉस डेल्टा इज इक्वल टू वन कब जी, या कॉस डेल्टा विल बी इक्वल टू वन लिख सकते हैं, विल बी इक्वल टू वन कब जी, कब होगा, इफ डेल्टा बराबर जानते हैं कितना होगा, डेल्टा का मान कितना होगा जो कि वन हो जाएगा, जानते हैं कॉस जीरो वन होता है, और क्या होता है, कॉस जीरो वन हो गया, कॉस टू पाई लोगे वो भी वन होगा, चलो फोर पाई लो, सिक्स पाई लो, इसी तरह लिखते जाओ, और लिख लो लास्ट में टू पाई एन, एन का मान आप क्या दे सकते हैं, वेयर एन इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री फोर, कुछ भी लो, ये देखो जीरो लोगे एन का मान तो जीरो हो जाएगा, एन का मान वन लोगे तो टू पाए, टू लोगे तो फोर पाए, थ्री लोगे सिक्स पाए, कहने का मतलब क्या है, क्या कहने का मतलब क्या है कि ये टू पाए इंटू एन यदि हो गया, एन का मान देख ही रहे हैं जीरो वन टू थ्री फोर जो भी, तो ऐसा यदि हो गया तो हम लोग कहेंगे कि मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो याद कीजिए तो कि मैक्सिमम इंटेंसिटी होने के लिए हम कहते हैं फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, जीरो टू पाई फोर पाई सिक्स पाई, और इस तरह से यदि फेज डिफरेंस रहता है तो हम लोग पार्टिकल्स को किस में कहते हैं, सेम फेज में कहते हैं, याद कीजिए तो सेम फेज में होने का शर्त बताई थी, कंडीशन
फॉर द पार्टिकल्स टू बी इन सेम फेज, तो सेम फेज में होने का शर्त याद कीजिए आप कि फेज डिफरेंस के रूप में लिए थे तो 2πn लिए थे, 2πn लिए थे। और यदि आप पाई के रूप में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 2n इंटू पाई, यानी पाई का क्या कह सकते हैं इवन मल्टीपल होगा। देखो 1, 2, 3 देते जाओ या इवन मल्टीपल होते चला जाएगा। तो चलो उससे जो हम बताए हैं 2πn होना चाहिए, या पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए n लेमडा होना चाहिए सेम फेज के लिए। तो यहाँ हम लोग अभी फेज डिफरेंस के रूप में ले रहे हैं, तो फेज डिफरेंस इतना होगा तो क्या होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। तो बताओ देयरफॉर क्या बताओगे बाबू, बताओगे कि आई मैक्स इज इक्वल टू, तब क्या होगा कहिएगा, आई मैक्स होगा सर 2a² 1+cos। अब डेल्टा की जगह कुछ भी दे दो, हम जनरलाइज कर देते हैं 2πn देते हैं, तो बताओ इसका वैल्यू होगा कितना, 1, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। तो 2a² 1+1 = 2a² × 2, दिस इज इक्वल टू 4a² हो गया। इसमें टेंशन नहीं लेना बाबू, ये 2 या cos 0 भी दे सकते हो, 2π भी दे सकते हो, हम जनरलाइज कर दे दिए हैं 2π, यानी n कॉमन कुछ भी दो 1, 2, 3, 4, ये वैल्यू कितना आएगा 1 ही आएगा। तो क्या देखे आई मैक्सिमम जो होगा वो 4a² के बराबर होगा। यहाँ लिख देते हैं स्पष्ट कि और आई मैक्स हो जाएगा इस केस में 4a², यानी पहले क्या था आई इज इक्वल टू, आप देखे थे ये स्क्वायर के बराबर था, अब यहाँ चौगुना हो गया 4a². तो बताओ कि यहाँ जो इंटरफेरेंस बनेगा वो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यानी केस फर्स्ट में क्या लिख सकते हैं यहाँ कि यहाँ लिखेंगे कि जब पार्टिकल्स सेम फेज में होगा, सेम फेज का शर्त फॉलो हो रहा है, तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का निर्माण होगा। हम लोग लिख चुके हैं, लिख सकते हैं यहाँ कि इस प्रकार हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस की घटना घटेगी अर्थात ब्राइटनेस बनेगा जब पार्टिकल्स सेम फेज में होगा, या जब वेव्स सेम फेज में मिलेगा पार्टिकल्स, या यहाँ जब वेव्स सेम फेज में, लिख दो सेम फेज में होगा, सेम फेज में होगा तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की घटना घटेगा अर्थात ब्राइटनेस बनेगा। देख रहे हैं बाबू पर्दा पर जो दिखाए थे उस समय ब्राइटनेस डार्कनेस, यहां देख रहे हैं पी पॉइंट पर कब ब्राइटनेस बनेगा, दो वेव मिलेगा,
तो ब्राइटनेस या डार्कनेस दोनों बनेगा, लेकिन कब ब्राइटनेस बनेगा, जब सेम फेज में मिलेगा। तो हम लोग ये पहले देख चुके हैं, सेम फेज में होने का मतलब दोनों दोनों या तो ऊपर की ओर जाएगा, नहीं दोनों वेव जो जब मिलेगा तो दोनों का क्रेस्ट क्रेस्ट मिल गया, ट्रफ ट्रफ मिल गया, तो दोनों एक साथ या तो ऊपर ले जाएगा या नीचे ले जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, अर्थात कितना, 4a² और उस समय ब्राइटनेस बनेगा। ठीक, केस सेकंड की ओर चलो कि जब क्या कहता है, आई विल बी मिनिमम, आई मिनिमम होगा, कम से कम होगा, इंटेंसिटी कम से कम होगी, कब, जब कॉस डेल्टा इज मिनिमम, ये मिनिमम होगा बाबू तब, दैट इज मिनिमम वैल्यू कितना तुम जानते हो, -1, तो डेल्टा विल बी इक्वल टू -1, कब जी, इफ डेल्टा इज इक्वल टू, बताओ, कहेगा सर डेल्टा का मान -1 होने के लिए क्या करना पड़ता है सर, अरे बताओ तुम्हें क्या करना पड़ता है, -1 होना चाहिए डेल्टा का मान, इसका मतलब क्या है, कॉस 180 का नाम सुना होगा, पाई का नाम सुना होगा, 3π, 4π, 5π, 7π, इसी तरह डॉट डॉट करते चले जाएंगे, 2n+1π, देखो गौर करो तो पाई, वन एन का मान क्या दो, 0, तो क्या होगा, पाई हो जाएगा, एन का मान 1 दो तो 2 + 1 = 3π, 2 दो, 2 × 4 = 5π, इसी तरह से है, तो वेयर एन तो कॉमन तो दे सकते हो, वही 0, 1, 2, 3 कुछ भी। तो चलो आई मिनिमम निकाल सकते हो क्या, ए आई मिनिमम पूछ रहे हैं, ये कैसे हम दे दिए जी, मिनिमम -1 होगा तो मिनिमम हो जाएगा, कैसे, देखो 1 + cos δ, cos डेल्टा कॉमन मिनिमम होगा तो पूरा मोहल्ला मिनिमम होगा, आई का मान मिनिमम होगा तो कॉस डेल्टा का मिनिमम वैल्यू कितना, -1 देते हैं 1 - 1 तो क्या होगा बाबू, ये 0 हो जाएगा, तो वही तो लिख रहे हैं, इतना यहाँ क्या लिख दें हम, यहाँ जनरल फॉर्म में लिख देंगे 2n + 1π लेंगे, आप बताओ 2n + 1π लेंगे तब क्या होगा बाबू, 2n + 1π लेंगे तो कहिएगा सर -1 हो जाएगा, तुम कॉस पाई भी ले सकते हो, पाई भी दोगे तो वही होगा, तो बताओ क्या हो जाएगा, ये दिस इज इक्वल टू तुम्हारा 0 हो जाएगा, तो आई मिनिमम कितना हो गया, आई मिनिमम आपका 0 हो गया, तो लिखो तुम यहाँ स्पष्ट, आई मिनिमम इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ कंस्ट्रक्टिव नहीं, क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, लिखो डिस्ट्रक्टिव, इंटरफेरेंस की घटना घटेगी, अर्थात विनाशकारी व्यतिकरण की घटना घटेगी, अर्थात क्या बनेगा, डार्कनेस लिख रहे हैं, DARKNESS, डार्कनेस बनेगा जब पार्टिकल्स सेम फेज में का अपोजिट फेज में, या अपोजिट फेज में होगा, याद करो ये सब जो बताए थे शर्त, 2n + 1π, ये क्या है, ये अपोजिट फेज में पार्टिकल्स के होने का शर्त है, तो क्या हो जाएगा, ऐसा है तो अपोजिट फेज में मिलेगा तो क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का घटना घटेगी, अर्थात डार्कनेस बनेगा जब पार्टिकल्स अपोजिट फेज में
अपोजिट फेज में हो या अपोजिट फेज में मिले। तो इस तरह से हम लोग देखे, मैथमेटिकली सीखे, मैथमेटिकल एनालिसिस हुआ कि पी पॉइंट पर कब कब डार्कनेस, कब कब ब्राइटनेस बनेगा। सेम फेज में मिला, दोनों वेव गया सेम फेज में मिल गया, कहीं भी पॉइंट होगा ना, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहीं भी तो होगा। यदि वो सेम फेज में मिल गया तो ब्राइटनेस, अपोजिट फेज में मिल गया तो डार्कनेस बनेगा। तो इस तरह से हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को सीखे कि कब इंटर कंस्ट्रक्टिव, कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। अगले दिन हम लोग सीखेंगे फ्रिंज विड्थ या इंटरफेरेंस फ्रिंज विड्थ। ओके, हालांकि आप देख सकते हैं, हालांकि समय आपका हो गया काफी, नेक्स्ट डे देखते हैं, इतना याद रहने दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई कठिनाई हो, कोई परेशानी हो तो अवश्य हमसे पूछिए। ठीक, गुड नाइट।